डब आई हुई है वो देखो यार, हमारी लाफिंग डब फिर आ गई है, हर रोज चक्कर मारती है और दो दिन के बाद आज फिर आ गई है। पकड़ते हैं यार, इसको यार कैसे पकड़े? वो देखें दोस्तों, उस कोने में बैठी हुई है, देख रहे हैं आप? वो देखें यार, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया यार। मतलब ये लाफिंग डब ना हमारे घर रहना चाहती है, लेकिन इसको मास्टर केज में जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। दरवाजा खोले, मास्टर केज का दरवाजा खोलेंगे, बाकी परिंदे फिर खतरा है ना यार हमारी, वो गोल्डन फिंच सारी बाहर निकल आएंगी। कोई कपड़ा है ऊपर डालूंगा ना मैं। हाँ ये भी सही आइडिया, तो आप मैं लेके आता हूँ कपड़ा, लेके आता हूँ यार, एक टॉवल लाया हूँ मैं। किधर हो भाई? यार यहाँ तो डब ही नहीं है। हाँ क्या उड़ गई है भाई? काम देखें इसके है, इतनी मुश्किल से लाया हूँ नीचे से, जल्दी से ऊपर आया हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं। खैर फिर आएगी तो फिर उस दरख्त पर जाके बैठी है। अच्छा उधर सामने बैठी है भाई। यार मुझे तो लगता है ना इसके दिन बहुत करीब होने वाले हैं, मतलब कि इसके बच्चे आने वाले हैं बहुत ही जल्द। मैं टच करके देखता हूँ यार, एक मिनट। तो यार बहुत बहुत हल्की हल्की चलती है अभी, ऐसे ना ऐसे ऐसे हिल हिल के ऐसे चलती है, तो इसका मतलब ये हो यार बहुत जल्द हमारे सेटअप पर आने वाले हैं बच्चे। क्यूट क्यूट से गोट्स के बच्चे। यार माशाल्लाह, आज मैंने खुद भी नोट किया ऐसे बहन, मुझे लगता है यार बहुत जल्द बच्चे देने वाली है, तो बस तो बेबीज होना इसके, बस हेल्दी हो। बच्चे बच्चे आ रहे अभी नहीं आ रहे यार, थोड़ी वेट करें आ जाएंगे। यार इसका भी कोई बच्चे का सीन है तो आप, छोटी वाली का? इसके भी तो आने थे ना बच्चे? इसके आने नहीं थे, उन्होंने बोला था अभी कंफर्म नहीं है कि ये प्रेग्नेंट है या नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने बोला था कुछ टाइम के बाद चल जाएगा पता, अभी कुछ कह नहीं सकते इसका है। मैं देखता हूँ भाई, वो अंदर छुपा हुआ है स्कूल से, उसको जगह मिल गई है। आजा भाई जो जो, ये देखिए ये रहा जो जो जो, ये है जी जो जो, आजा आजा भाई। ये ले, इस पे चलता ही नहीं है भाई, ये नहीं चलता। अच्छा, ना भाई सेम टू सेम लग रहा है पत्थर की तरह। ये देखे जंप कर रहा है, ये देखे अभी जंप करेगा। ओ ये कैसे पहुंच गया बाहर? ओए ये तो बांधे तो आप, कैसे निकला ये? थोड़ी देर के लिए खोला होगा उसको, एक सेकंड के लिए मौका देखते ही निकल गया भाई। अच्छा मुझे भी पता है, तो ले आओ यार, इतना खाना पड़ा है इसके पास, फिर भी ये बाहर कुछ ना कुछ खाने के लिए आ जाता है, गंदी चीजें कचरे में आ जाता है। उठा लो ना इसको। अभी कह रही थी आता है, मुझे आता है, ये देखो ऐसे पकड़, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे। मैं। आपको नहीं आएगा? नहीं, मैं। आपको नहीं आएगा ना? हाँ डर क्यों रही हो फिर? दी हुई है कहाँ? दी हुई है यार, चेक करो इतने दो अंडे, ये तो पड़े हैं कब से मुर्गी भाई है? मुर्गी के एक अंडा, मुर्गी का एक अंडा था। हाँ। और अब दो आ गए, दो मुर्गियों ने दे दिए इधर, तो ये पड़े रहे, ये इनक्यूबेट करेंगे कबूतर इनको? तो रहे मेरे ख्याल में, तो चेक करते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। कोई नहीं। अच्छा हाँ पड़े रहे पड़े रहे, चलो खैर है, हम खुद पाल लेंगे इनको अगर निकल भी आए तो। तो दोस्तों हमारी मुर्गी को ना चौथा दिन है आज अंडों पर बैठे हुए, तो आज हम कर लेते हैं इस मुर्गी के अंडों की कैंडिंग, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि सही से इनक्यूबेट कर रही है या नहीं कर रही, क्योंकि ये लास्ट टाइम भी इसके अंडे क्या हुआ था दोस्तों, सारे खराब हो गए थे, तो अब मैं चेक कर लेता हूँ यार। चलो भाई उठो तुम जरा, दरवाजा बंद कर दो ना। हाँ चलो कैंडिंग करता हूँ यार। तो ये अंडा तो ठीक है जितने। अच्छा हाँ ये ठीक है, और इसको चेक कर लेते हैं, ये ताजा अंडा है भाई, कह रहा था ना ये अंडा और मुर्गी का, ये हटा देते हैं, और ये वाला अंडा सही है, बन रहा है, जो खराब है साइड पे कर लो, जो सही है ना वो रख दो। क्या बना यार अभी नहीं पता चल रहा सही। अच्छा कल हाँ, तो दो चार दिन और मजीद देखते हैं। ओके यार चेक करें, माशाल्लाह हमारी बीटा फिश फाइटर फिश बहुत ही खुश है यहाँ पर, और मुझे काफ़ी भाई कह रहे थे कि भाई इसको अलग ही रखना, तो यार मैंने इसको अलग ही रखना है अकेले में, इसके साथ में कोई और फिश हम नहीं रखेंगे, नहीं तो हमें पता है ये खा जाएगी उनको मार देगी, तो ये अकेली ही घूमेगी इधर, यहाँ पर इसका कोई साथी नहीं आएगा, यहाँ पर ये अकेला ही सर्वाइव कर लेगा इंशाल्लाह। तो इसके लिए हम हाँ हो सकते हैं फीमेल लेकर आएंगे बहुत जल्द, ताकि फिर हम इनके बच्चे भी देखें और अच्छा लगेगा बहुत ज़्यादा। नहीं इसके 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 लिए लेके आनी फीमेल फिश के लिए। हाँ जी इनका नाम चकोर रखा है। हाँ इनका नाम चकोर नहीं रखा, ये है ही चकोर। तो यार ये हमारे चकोर सारा दिन ना घूमते रहते हैं मास्टर केज में इधर इधर इधर, ना इनका कोई ब्रीडिंग का पता है, ना ये इस मट्टी में खेलते हैं, कोई पता नहीं यार इनका। भाई चेक करो कचरा देखे अंदर। हाँ भाई जान ये दूसरे जानवरों का कचरा है। हाँ जी इस जगह नहीं रखते फिर, कहाँ रखे? या तो उस फाउंडेन के पास साइड पे रख देते हैं। अच्छा। या कोई और जगह ढूंढते हैं। अभी यहाँ से निकालो भाई, मुझे मछली पसंद है। अच्छा खा लो फिर। हाँ इसमें रखना है। हाँ मैं सोच रहा हूँ इधर रख देते हैं यार, और कोई जगह नहीं है, नहीं तो नीचे लेके जाना पड़ेगा। सही बात है ना?
या तो घर में रख लेंगे या फिर यहाँ पे यहीं पे, है ना? हाँ, ऐसे ही करते हैं फिलहाल, इसको इससे कवर कर लेते हैं यार, कभी शबे ना देख लें, नहीं तो चूंच मार के खा। नहीं नहीं, आते नहीं है, कभी नहीं आते, मछलियाँ नहीं खाने आते यहाँ, तो एक दफा भी ट्राई नहीं किया यहाँ पर। चलो ठीक है बेटा, फिश ठीक है बेटा, ओके बेटा। ये कबूतर है यार, किसने पकड़ा हुआ है? किसकी कॉल है? अली की कॉल है यार, फोन किया है कि कबूतर पकड़ा है मैंने। ओए ये तो प्यारा कबूतर है यार, दे जाओ यार, हमें ही दे दो, क्या करोगे, तुम्हारे पास तो वैसा कुछ नहीं है। हम खुद आ रहे हैं यार लेने, हम खुद आ रहे हैं, इसको संभाल के रखो, हम आ रहे हैं लेने। ओके ओके ओके, आ रहे हैं। ओ यार चले चलते हैं यार, इतना प्यारा कबूतर अभी देखा है ना हमने, हमारे कजन के घर में है, उन्होंने पकड़ा है, तो हम ना उससे लेके आते हैं ये वाला कबूतर। आ रहे हैं यार प्यारा सा कबूतर लेके, ठीक है? हाँ हाँ यार, जाने से पहले मैं थोड़ा पकड़ लो इसको, देखो ये हमारे परिंदों को नुकसान ना पहुंचे। नहीं सकते लेकिन हमारे परिंदे डर सकते हैं क्योंकि जाली है ना ब्लैकी। आ जाओ भाई, इसको भाई इसको पिंजरे में बंद कर दो। चलो भाई जाओ, आप हमारे साथ चलोगे? चलो आ जाओ, आपने भी आप भी आ जाओ। चलो जी चलो, श्यान को भी लेके चलते हैं यार आज। पहुंच गए तो फाइनल यार हम उस जगह पहुंच गए, और अब चेक करते हैं यार कैसा है कबूतर। उधर पकड़ा उन्होंने, किन्होंने? ऊपर तुम्हारे घर में एक इतना अच्छा कबूतर हो तुम्हें पता ही नहीं है, कैसे इंसान हो तुम यार। मैंने उधर बैठे हुए देखा था, ब्राउन और व्हाइट कलर का, वही पकड़ा हुआ उन्होंने ऊपर। चलो कौन सा कबूतर भाई, हमने बताया भी नहीं। ये देखो पर पड़े, ये रहा भाई कबूतर हमारा। कैसे हो भाई, कैसे पकड़े भाई तुमने? यार ये ना हमारे घर पे आया हुआ था तो सुबह बैठा हुआ था। अच्छा यहाँ पे, यहाँ पे अंदर? नहीं यहाँ पे नहीं था, उधर बाहर ना स्टेयर्स में था। अच्छा तो बैठा हुआ था। देखो यार इसको सीधा करो, बेचारा बीमार है, पता नहीं क्या है। बीमार है क्या? देखो कल शाम को मैंने देखा था वहाँ बैठा हुआ, कहा कि भाई यार ये इनका पालतू होगा। मैंने कहा, अम्मी कहती जाके पकड़ ले कोई, मैंने कहा नहीं पालतू नहीं है, आज ही देख रहा हूँ, यही सही है, प्यारा कबूतर है। पालतू है, इसके घुंघरू भी डले हैं पाँव वाँव में ना, जैसे होता है। मारे तो इसका इलाज करेंगे ना भाई। सही है चलो आ गया यार। अच्छा तो यार हम ये कबूतर लेकर जा रहे हैं अपने सेटअप के ऊपर, और हमें लगता है कि उड़ नहीं सकता ये, तो इसका ट्रीटमेंट ही करेंगे, और इसके लिए कोई पार्टनर वगैरह भी लेते हैं। पूछते हैं ये है कौन सा यार, ये नर है मादा है, पूछ लेते हैं। हाँ ये नर है, एक आंख और है, एक आंख और है, देखा? ये तो अच्छी नस्ल है फिर, या तो डिफेक्टेड है या तो अच्छी नस्ल है, एक चीज है। थैंक यू ब्रो। तो यार अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, और हम बस पहुंचने ही वाले हैं, और एक दुकान रास्ते में आती है कबूतरों की, वहां पे भी जाते हैं और वहां से भी लेते हैं इसके साथ का कोई पार्टनर इस जैसा सेम इसी नस्ल का। तो अभी चलते हैं और कुछ शॉप पे मिलते हैं। ओके भाई, ये है कबूतरों की दुकान, और यहाँ पर देखते हैं कि इसकी तरह का कबूतर है कि नहीं है। आ जाओ भाई, किसकी है भाई? ये तो बता दो, ये नर है कि मादा है? नर है। नर है ना, मैंने कहा नहीं था नर है यार। अब तो अभी भाई ने इसमें डाल के चेक किया था, अगर आपस में लड़ते हैं ना तो इसका मतलब ये नर है, और ये वाकई नर था। नस्ल का सेम टू सेम हमें मादा चाहिए ना, नहीं पड़ी आपके पास? फिर कभी आएंगे, फिर कभी आएंगे, और इसके लिए हम एक फीमेल लेके आएंगे इसी नस्ल की। सही है, अभी चलते यार। ओ भाई श्याम। तो यार अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेटअप पर नया कबूतर आ चुका है, और मुझे इसकी दोस्तों ब्रीड का फिर भूल गया है, उस भाई ने बताया भाई ये ब्रीड कौन सी है, लेकिन अब मैं फिर भूल चुका हूँ, आपने अब कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसकी ब्रीड कौन सी है, और इसके लिए हम इंशाल्लाह सेम टू सेम इसी तरह की फीमेल लेकर आएंगे। और अचानक से यार फोन आया, हम फिर लेने चले गए और लेकर आप भी गए, तो इसको सिर्फ टेन छोड़ते हैं। हाँ क्या हुआ, क्या ना इसका बच्चे थे ना? हाँ कोई बच्चे नहीं है इसके, इसके कोई बच्चे नहीं, अगर देने होते ना इसके अब तक दे चुकी होती। इसलिए छोड़ दो चाचू, इसको छोड़ दो यार, हम कबूतर को भी छोड़ देते हैं अंदर। तो चलो भाई तुम्हारा ये नया घर है आज से, तो इधर ही तुमने रहना है, चलो भाई जाओ। हाँ ऐसा है। तो यार अब बारी है हमारी मछलियों की फीड की, तो ये मैं डाल देता हूँ इधर, यहाँ पर डाल देते हैं बस। क्या हुआ? वो हमारा चूजा उधर चला गया था, आप इस साथ वाले घर में फंसा हुआ है भाई, ये तो उधर ना चला जाए भाई, इसको लेके आओ। आपको कैसे नजर आया? मुझे जो पता चला ना है कि गिरने वाला था। अच्छा आपने तो नहीं गिराया उसको, इसी ने ही गिराया होगा। अरे 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 अरे, हिलो नहीं, हिलो नहीं श्याम,
आगे अभी इसको उस साइड पे ना जाने देना, बस इधर ही आने दो। गुड 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 गुड, अब पकड़ो इसको। तो यार यहाँ पर चुग रहे हैं हमारे सारे परिंदे, कबूतर, मुर्गियाँ, खरगोश, टर्की बर्ड, सिल्की हैं, सारे के सारे। और चूजा छोड़ दिया। चलो यार माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं यार सारे परिंदे एक साथ। नया कबूतर इधर छोड़ा है क्या? हाँ इधर ही छोड़ा है मैंने। फिर इनको दवाई शवाई लगाओ, इसको कुछ करो। दवाई मैं जो भूल गई थी यार, मैं वो लेके आता हूँ। चलो ये दवाई देनी है। हाँ ये वाली देते हैं यार। चले यार मैंने इसको दवाई पिला ली है, इसको हम यहाँ पर बिठा देते हैं अब तो। अब इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक आदमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल शहर में ध्यास को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, कल एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।